अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके अपने पाठशाला विंग्स हाई स्कूल की अध्यापिका बोल रही हूँ। आज हम पांचवी कक्षा के चौथे पाठ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी हिंदी बाल भारती पांचवी कक्षा की पुस्तक का 12वां पृष्ठ खोलिए। चौथा पाठ, हमारा स्वास्थ्य मीन्स आवर हेल्थ, पर्यावरण का ज्ञान। तो चलिए बच्चों, नए शब्द और उनके अर्थ जानेंगे। अनमोल, कीमती, वैल्यूएबल। खजाना, कोष, ट्रेजरी। मस्तिष्क, भेजा, माइंड। अड़ोस, घर के दोनों ओर, नेबर। मक्खी, मक्षिका। हाउसफ्लाई, मच्छर, मच्छड़। मॉस्किटो, खुला, खोला गया, ओपन। दवा, औषध, मेडिसिन। भूलना, विस्मरण, फॉरगेट। साफ करना, स्वच्छ, शुद्ध करना, क्लीनिंग। हंसना, खुले मुंह से, वेग पूर्वक। हर्ष ध्वनि निकालना, लॉफिंग। वरदान, वर, बून। चलिए बच्चों, अब पाठ के बारे में जानेंगे। हर एक को स्वस्थ रहना जरूरी है, यह जीवन का अनमोल खजाना है। स्वस्थ मनुष्य हमेशा प्रसन्न और सुखी रहता है। वह जीवन में उन्नति कर सकता है, वह अपना काम समय पर पूरा कर सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मीन्स हेल्दी, मस्तिष्क मीन्स ब्रेन और माइंड। बच्चों, हमें स्वस्थ रहना है क्योंकि स्वस्थ रहने से आप अपना काम समय पे कर सकते हो। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं तो आप कहीं पर भी ध्यान नहीं लगा सकते। पुष्ट 13 देखिए, स्वास्थ्य के लिए सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खुली हवा, स्वच्छ जल, संतुलित भोजन से मनुष्य स्वस्थ रहता है। घर और बाहर अड़ोस पड़ोस में भी सफाई की ज़रूरत है। घर के आसपास को भी साफ रखना चाहिए, नहीं तो मक्खियाँ और मच्छर आते हैं, इससे कई बीमारियाँ फैलती है। मक्खी गंदी जगह पर बैठती है, वहाँ से बीमारी फैलाने वाली कीटाणु लाती है। उन्हें वे खाने पीने की सामग्री पर छोड़ती है। खाने पीने का सामान कभी खुला नहीं रखना चाहिए। बाजार की बनी चीज़ें खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य के साथ साथ सफाई भी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, क्या आप आपके घर में सफाई करते हो?
हमें घर और बाहर अड़ोस पड़ोस में भी सफाई करना चाहिए। सफाई करने से मच्छर और मक्खियाँ नहीं आते। मच्छर के काटने से कई बीमारियाँ फैलती हैं। घर के आसपास पानी जम जाए तो उसमें मच्छर अंडे देते हैं। बहते पानी में मच्छर पैदा नहीं होते। बीमार पड़ने पर डॉक्टर से मिलकर दवा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खेलना और व्यायाम करना भी ज़रूरी है। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। प्रतिदिन स्नान करना नहीं भूलना चाहिए। नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ साफ करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तेलुगु की कहावत है कि आरोग्य ही महाभाग्य है। इसका अर्थ है तंदुरुस्ती जीवन का वरदान है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, हमें हर दिन खेलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से अपना मस्तिष्क अच्छा रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए और खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी। बच्चों, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सबको यह बात समझ में आया। तो चलिए बच्चों, अब अभ्यास पहली बीट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर, स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन, व्यायाम, खेलना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, मक्खियों से बीमारी कैसे फैलती है? मक्खी गंदी जगह पर बैठती है, वहां से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु लाती है। तीसरा प्रश्न, बीमार पड़ने पर क्या करना चाहिए? बीमार पड़ने पर डॉक्टर से मिलकर दवा लेनी चाहिए। चौथा प्रश्न, तेलुगु की कहावत आरोग्य ही महाभाग्य का अर्थ क्या है? जवाब, इसका अर्थ है तंदुरुस्ती जीवन का वरदान है। अब दूसरी बिट, निम्नलिखित तालिका से 5 वाक्य बनाइए। तो बच्चों, तालिका में आपको कुछ वाक्य नज़र आ रहे हैं जी? चलिए बनाएंगे। पहला, मुझे स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा, किसान को खेत जोतना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। चौथा, लड़के को पढ़ना चाहिए। पांचवा, खिलाड़ी को खेलना चाहिए। तीसरी बिट, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, अनमोल, स्वास्थ्य जीवन का अनमोल खजाना है। दूसरा, मस्तिष्क, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। तीसरा, प्रसन्न, मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। चौथा, भूलना, हमें व्यायाम करना नहीं भूलना चाहिए। पांचवा, वरदान,
जीवन का वरदान है। चौथी बिंदु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, स्वास्थ्य जीवन का डैश खजाना है, अनमोल। दूसरा, बहते पानी में डैश पैदा नहीं होते, मच्छर। तीसरा, मच्छर काटने से डैश फैलती हैं, कई बीमारियां। चौथा, प्रतिदिन डैश करना नहीं भूलना चाहिए, स्नान। पांचवा, अधिक से अधिक मात्रा में डैश पीना चाहिए, साफ पानी। छठा, स्वास्थ्य के लिए रक्षा करना हमारा डैश है, परम कर्तव्य। पांचवी मिनट, स्वास्थ्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। हर एक को स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ जीवन का अनमोल खजाना है। स्वस्थ मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है, स्वस्थ से मनुष्य जीवन में उन्नति कर सकता है। स्वस्थ के लिए खेलना और व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ के लिए सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। खुली हवा, स्वच्छ जल, संतुलित भोजन से मनुष्य स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने से हमें बीमारियां नहीं होती है। अपने स्वस्थ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा 14 पाठ समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।